दोस्तों, हमारे जेएनयू में और स्पेशली जेएनयू लेफ्ट में स्पार्टकस की बड़ी व्याप्ति है। हमारे यहाँ भी स्पार्टकस की बहुत व्याप्ति है। स्पार्टकस पर मेरी कविता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत स्लेव डेनेस्टी रही है, गुलाम वंश रहा है, जिसमें चार गुलाम बड़े शानदार हुए, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और बलबन। तो मैं मगर हमारे जेएनयू वालों को इनकी कोई खोज खबर नहीं है, और अगर है तो कम से कम इनके बारे में कोई सकारात्मक राय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है। तो ये दिल्ली ऐबकों की है, ये इल्तुतमिश की दिल्ली है, ये दिल्ली लगती है जैसे रजिया सुल्ताना दिल्ली है, ये दिल्ली बलबनों की है, वफादारों की दिल्ली है। तो वारे बलबन हिलाकर सल्तनत को रख दिया, बलबन तुम्हारे राज में अमनो चैन कायम तो है, तो क्या हुआ उन सूलियों का, क्या हुआ उन फांसियों का, और आज भी जारी बगावत खिलजियों की है। तो जानता बलबन है उसका अंत निश्चित है, पर सोचता बलबन है कि ये भी सुनिश्चित है कि याद तो दुनिया करेगी, याद करके हंस पड़ेगी कि रास्ते में वक्त के ऐसी निजामत भी पड़ी थी कि इंसान से शैतान तक, शैतान से भगवान तक, और सबके मुंह में बस यही था, बस यही सब कह रहे थे कि गुलामों की हिमाकत की वह हुकूमत कर रहे हैं। तो क्या फरिश्तों ने किताबों में कहीं लिखा इसे है कि गुलामों की हुकूमत भी मंजूरे खुदा है? तो क्या हुआ पैगंबरी का, क्या किताबों का हुआ, क्या हुआ अल्लाह का और मजहबों का क्या हुआ? तो आयतों के दायरे में ये गुलाम आता नहीं, और बलबनी शमशीर का बस ये खरोचा लग गया, और सरहिंद से बंगाल तक फतेह गुलामा हो गया। तो सरगनाए चहल गानी बलबनो तुर्को गुलाम, तू खुदाओं का खुदा है, तुझको है मेरा कलाम। सही।